बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार आदाब, प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज के जो फ़नकार हैं हमारे, उनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि अदीब व शायर व फ़नकार बोते हैं जो शजर, ये लोग फल कहाँ अपने शजर के देखते हैं। ऐसे ही फ़नकारों की फहरिस्त में एक नाम ऐसा है जो अपने बुज़ुर्गों की दुआ और उम्मीदों का रोशन चिराग है, जो अपने बुज़ुर्गों की दी गई शिक्षा और विरासत को बेहद सलीके से आगे ले जाने का काम अंजाम दे रही हैं। शख्सियत में आज पहली बार बेहद अद्भुत वाद्य पखावज से जुड़े फ़नकार हैं हमारे आज के मेहमान। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर व मारूफ कलाकार पंडित रविशंकर उपाध्याय से। पखावज एक वाद्य यंत्र जिसका रंग रचता है अथक मेहनत और रियाज से। ऐसी ही मेहनत और रियाज को समर्पित पंडित रविशंकर उपाध्याय। पंडित रविशंकर उपाध्याय का जन्म 1969 को बिहार के गया में हुआ। पिता पंडित रामजी उपाध्याय का नाम पखावज की दुनिया में बड़े ही एहतराम से लिया जाता रहा है। सो पिता से मिली विरासत को बड़े ही सलीके से आगे ले जाने का अज्म उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ जारी रखा हुआ है। बारह साल की उम्र से ही रविशंकर उपाध्याय ने संगीत की दुनिया में पखावज वाद्य का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। वाद्य विधा में अपनी एक अलग पहचान बनाना यकीनन एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन कला के प्रति पूर्ण समर्पण के चलते पंडित रविशंकर उपाध्याय ने स्वयं को पढ़न, तिहाइयों, लयकारी और स्तुति में सिद्धस्थ करने की कामयाब कोशिश की। पखावज वाद्य का ध्रुपद अंग की गायकी और नृत्य में बड़ी ही खूबसूरती से समावेश करने का श्रेय पंडित रविशंकर उपाध्याय को जाता है। पखावज को एकल वाद्य के तौर पर स्थापित करने का भरसक प्रयास उन्होंने किया। उनके सोलो परफॉर्मेंसेस का रंग बिल्कुल निराला है। संगीत के सफर में उनकी कई सीडीज रिलीज भी हुई। बेशुमार परफॉर्मेंसेस और संगीत की दुनिया से जुड़े एक से बढ़कर एक कलाकारों के साथ सानिध्य का मौका उनकी कला साधना की सुंदर मिसाल है। पखावज को नए कलाकारों से रूबरू कराने का काम कथक केंद्र के जरिए वो बखूबी कर रही है। अपने सफर में उन्हें बेशुमार अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जो इस अद्भुत वाद्य के प्रति उनके पूर्ण समर्पण की कहानी आप बयान कर जाती है। बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम शख्सियत में रवि जी आपका। धन्यवाद। तो अब मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी आपके अपने घराने के बारे में। जी, मेरा घराना एक्चुअली क्या है कि हम लोग परंपरा बोलते हैं। परंपरा मीन्स रीति रिवाज।
तो पखावज में मेरा राजस्थान से वास्ता है। आज के 400 वर्ष पहले हमारे पूर्वज साहब रहते थे वहाँ राज दरबारों में, और वो पखावज मृदंग बजाते थे, और दो भाई थे, उगन सिंह उपाध्याय और बुधन सिंह उपाध्याय। तो वो एक भाई एक तारा बजाकर ध्रुपद गाते थे, मेरे घराने में ध्रुपद भी है, तो वो और एक भाई मृदंग बजाते थे। तो इसका नाम प्राचीन मृदंग नाम है, मृदंग, इसके बाद पखावज नाम हुआ। फिर वहाँ से बजाते बजाते उनको आमंत्रण बिहार का हुआ, और बिहार के एक बहुत ही मशहूर राजा थे मदन राय, वो बिहटा स्टेट के थे, उनको बहुत पसंद आया इन दोनों भाइयों को, फिर वो ले गए बिहार इनको, वहाँ राजाश्रय दिया, और इस तरह से वो चलता गया पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर, चलते 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 मेरे दादाजी हुए पंडित वासुदेव उपाध्याय, तो मृदंग सम्राट के उपाधि उनको मिली राज दरबारों में। उन्होंने बहुत अद्भुत काम इसमें किया, बहुत एडिशन किया। जैसे? जैसे कि कुछ पर्णों का, कुछ रेलों का, कुछ और भी स्तुतियों का एक अलग शैली उन्होंने रचना की, जो पुरानी शैली से थोड़ा भिन्न हुआ, धीरे 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 होता गया। इसलिए हम लोग उनके घराने से, उनके नाम से पंडित वासुदेव उपाध्याय परंपरा बिहार, अच्छा, ऐसा मैंने गठित कर दिया, जो आज मशहूर है और चल रहा है। बिल्कुल। तो पंडित वासुदेव उपाध्याय जी, फिर हमारे पिताजी हुए पंडित रामजी उपाध्याय, मेरे ताऊ जी हुए पंडित बलदेव उपाध्याय, अपने जमाने के बहुत मशहूर पखाव जी। रवि जी, 8 साल की उम्र में आपने सीखना शुरू किया, और गालिबन आपके पिता से आपने सीखना शुरू किया जी। तालीम की शुरुआत या शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई? हमारे विरासत में, हमारे घर में ये चीज हुआ। तो पिताजी रियाज कर रहे हैं सुबह सुबह, उधर भाई कर रहे हैं, उधर वो कर रहे हैं, उधर वो हो रहा है, तो ये सुनते सुनते ही मुझे अट्रैक्ट किया, इसका ताल, इसका लय, वो मुझे कानों में गया, और मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं भी बजाऊं। जब और कुछ बड़े हुए तो पहला शौक तो वो हुआ कि हम पखावज ही मेरे कान में गया, ध्रुपद पखावज, पखावज गया, तो वो उससे मेरा शौक हुआ। दूसरे ये चीज़ कि जब हम और कुछ बड़े हुए, इसको जब पकड़े, पिताजी के साथ कुछ घूमे, कुछ जगहों पे गए, तो मैंने और भी कलाकारों को देखा, तो एक और शौक जगा, इसको और करना चाहिए। फिर मैंने पढ़ा अपने घराने के बारे में, अपने परंपरा के बारे में, हमारे दादाजी ऐसे थे, परदादाजी ऐसे थे, उनको ऐसे प्रसिद्धि मिली, ऐसे हुआ, उससे और मेरा जागृत मन हुआ, तो और मैंने मेहनत किया। एक परफॉर्मर के तौर पर, या जब ये कार्यक्रमों में इसकी अपनी एक जगह है, तो कैसे इसको आप डिफाइन करते हैं, कैसे ये अपनी एक अलग जगह बना लेता है हर प्रस्तुति में? जी, ये हर ये तालवाद का, इसको कहा गया है पखावज को साजन पति मृदंग, सभी साजों का पति माना गया है। तो ये इसमें एक लिटरेचर है जो विद्वानों ने बनाया है, इसमें स्तुतियां भी हैं, भगवान के भी स्तुति है, और इसमें लिटरेचर में जैसे परण ये सब बना, तो ये सोलो वाद्य में भी ये प्रयुक्त होता है। कुछ सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आप, जो आपको भी हद पसंद हो? जी, मैं एक गणेश जी का स्तुति मैं सुनाता हूँ। हाँ, मैं निकाल के दिखाता हूँ। जरूर। श्रवण सुंदर नाम गणपति, ज्ञान नाथ गजानन, त्रिकृधान धगत दंत कृणगत, लंबोदर एक दंत धा, अगरबीम अगरबीम गणानाथ गणपति गणेश लंबोदर सो है, पूजाचार एक दंत सुंदर मन मोहे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे, द्रौपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। ये स्तुति छोटा गणेश जी का था। तबले और मृदंग से ये कैसे अलग हो जाता है? जी, तबला तो बहुत बाद में आया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तबला पुत्र, ये है पुत्र है और ये पिता है, तो इसी को दो भाग कर, इसी से कल्पना करके विद्वानों ने इसको दो भाग करके, हमीर खुसरो जी ने इसके इसको ये किया। तो और अच्छा, इसके जो शब्द होते हैं निकास, वो बड़े भारी होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं, और बड़े बड़े परन होते हैं, बड़े बड़े पड़ाल होते हैं, रेल्या होते हैं, तबला में ये चीज़ नहीं होता है। और तबला उंगली से बजाया जाता है, ये उंगली से, ये ऐसे तबला बजते हैं, ये पूरा पांजा से बजती है,
और पखावज के बारे में यह है कि पखावज की लंबाई 24 से 25 इंच तक होती है, दाहिने साइड का 7 इंच, बाएं का 9 इंच होती है। और सबसे उत्तम लकड़ी जो इसका है चंदन का होता है, फिर इसके बाद विजयशाल, खैर, शीशम, कटहल, ये सब बहुत ही अच्छे लकड़ी माने जाते हैं। और फिर इसमें दाहिने साइड में स्याही लगती है, बाएं में आटा लगाकर बजाया जाता है, शुरू से ही परंपरा रही है। वजह इसमें गूंज के लिए, जो आटा से गूंज आती है वो और किसी धातु किसी चीज से नहीं आती है, आटा से इसकी ये गूंज जो आती है, ये आती है, तो ये आटा से ही आती है गूंज। ये दाहिने का, और दोनों जब मिलती है तो ये इसलिए आटा का प्रयोग इसमें होता है। आप जैसे लोग जब किसी कला से जुड़ते हैं तो या तो वो एक परंपरा का हिस्सा होती है या एक पैशन होता है, आपके नजदीक क्या रहा जी? मेरा आप, क्योंकि आपके घराने में चला आ रहा था इसलिए आपने पखावज को चुना, आप चाहते तो कोई और वाद्य भी चुन सकते थे, तो ये आपका एक पैशन में जुड़ा जाता है? जी नहीं, पैशन तो बाद में बना, पहले तो मेरे कानों में गया, जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में कि मेरे सबसे पहले कानों में गया और वो आवाज़ एक जगह बना लिया मेरे दिल में, कानों में, और एक जो कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन, खून का असर, वो भी रहा। और बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही, शिशु अवस्था से ही कानों में गया, तो ये बड़ा अच्छा हमें लगा। और इसको जब मैंने पकड़ा तो और अच्छा लगा, सुना, देखा, तो धीरे धीरे पैशन में बदल गया। किन खास लोगों के साथ आपको संगत करने का मौका मिला? जी, मेरे को सौभाग्य हुआ है बहुत बड़े बड़े कार, पंडित सियाराम तिवारी जी ध्रुपद के बड़े गायक थे, और इसके बाद विदुर मलिक जी भी थे, और इसके बाद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, इसके बाद पंडित विश्वमोहन भट्ट जी हैं, और इसके बाद पंडित अजय चक्रवर्ती जी हैं। मतलब भिन्न भिन्न ये विधाओं में हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य हुआ पखावज बजाने का इन सभीयों के साथ। इसके बाद पंडित बिरजू महाराज जी हैं, उनके साथ भी, और सबसे बड़ा मैं मानता हूँ जो वो थे, मेरे फैन थे पंडित किशन महाराज जी। अच्छा, उनके वो बहुत हमको प्यार करते थे और वो अपने साथ में बिठाते थे स्टेज पे। कोई याद है उनसे जुड़ी हुई? जी बहुत अच्छा। क्योंकि हम लोगों को तो नहीं मौका मिला कि हम उनको रूबरू हो पाते, तो आप ही लोगों से ही कुछ उनकी यादें हमें बताइए। पंडित किशन महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद मुझको दिया है, और उनको वो मेरे मतलब हमेशा दिल में रहते हैं। जब भी मैं पखावज बजाता हूँ तो उनके अंश आ जाती है मुझे। रवि जी, कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने आज तक के आपके सफर को देखा है, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय हमें दीजिएगा। आइए देखते। पंडित रविशंकर उपाध्याय बहुत बहुत अच्छे संगतकार और सोलोइस्ट हैं, और आप इलाहाबाद और बिहार में, बिहार का घराना जो हमारे अपने के पिताजी भी बहुत ही मशहूर पखावज वादक थे पंडित रामजी उपाध्याय, ये आप विरासत उनको लिए हुए चले आ रहे हैं और अब दिल्ली में आ गए हैं। हमें बहुत खुशी है कि दिल्ली में आ गए हैं। हमारे साथ भी उनकी कई बार की उन्होंने संगति की है, और यहाँ पे हम ध्रुपद समारोह, ध्रुपद सोसाइटी में ध्रुपद समारोह करते थे, तो ये इनके पिताजी भी उस टाइम आते थे जब डागर बंधु मेरे पिताजी और ताऊ जी जब यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे उसमें आते थे, और यहाँ पे आप भी आते रहते हैं। मतलब जब भी मिलते हैं बहुत ही प्रेम से मिलते हैं, और हमें इतना अच्छा लगता है उनसे बार बार मिलना, और हमारी यही इच्छा होती है कि इनसे साथ मिल के हम और भी गाना और बजाना साथ में करें। कि इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जहाँ तक कि पखावज का ताल्लुक है। एक तो है कि घराने की तालीम, तो हर घराने में तो तालीम होती ही है, अपने अपने ढंग की तालीम होती है, लेकिन तालीम के बाद उस कस्ब को, उस सिंफ को, उस शैली को अलहदा ढंग से कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, वो कस्ब है। वो मुझे इनका बहुत ही अच्छा लगता है, इनकी पंडित रविशंकर उपाध्याय जी की, कि वो उस ढंग से सोचते हैं, उस ढंग से उसको उन्होंने हासिल किया हुआ है, उस अपनी तालीम को समेट के उसके हिसाब से आना,
ये मुझे लगता है कि आदमी को कस्ब उसकी साधना, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी शैली की अंडरस्टैंडिंग, उतना ही नहीं बल्कि जनरल जो गाना बजाना है उसकी अंडरस्टैंडिंग का भी एक हिस्सा है, और ये दर्शाता है कि आदमी ने कितना ग्रहण किया हुआ है। जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी वो चिंतन कर रहे हैं, जो भी अपने साधना में लगे हुए हैं, वो एक बहुत ही अच्छे मकाम पे ये उसमें हासिल करेंगे, बहुत ही एक नामी जिसे कस्बिया जिसे आप कहिए वो मकाम है इनका। क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों के लिए? मैं इनके लिए बहुत इनको धन्यवाद करूँगा कि मेरे लिए इन्होंने टाइम निकाला अपना कीमती, और मेरे लिए कुछ इन्होंने दो शब्द बोले मेरे लिए, बहुत मैं धन्यवाद करूँगा इनका। आपने इस वाद्य के साथ, पखावज वाद्य के साथ किस तरह के नए प्रयोग किए? जी, मैंने इस वाद्य में देखा कि क्या ऐसी चीज़ इसमें और हो सकती है जो और वाद्यों में है, तो मैंने इसके लिए कल्पना किया, सोचा, और मैंने इसमें कुछ गणित का काम, अच्छा, जो मैथमेटिक्स जो ज़्यादातर तबले में प्रयोग होते हैं, पलटा भी होते हैं, कुछ जो कायदा रेला कायदा ऐसे होते हैं, जैसे कमाली चक्रदार, बेदम चक्रदार, और भी तिहाइयाँ, इसमें तैयारियाँ, अच्छा, जो लोग कहते हैं कि उंगली का बाज तबला बहुत ही रफ्तार, बहुत ही तेज गति से प्रवाहित होता है, पखावज वैसे नहीं होता, पखावज चौगुन तक की बाज है, जैसे तबले में होता है रेला कायदा कहते ही होता है रेला कायदा, धातर किट तक त्रिकट, धातर किट तक त्रिकट, धातर किट तक तातर किट तक त्रिकट, धातर किट तक त्रिकट, धातर किट तक धातर किट तक त्रिकट, धातर किट तक त्रिकट, धातर किट तक धातर किट तक त्रिकट, धातर किट तक त्रिकट, धातर किट तक, फिर इसके पलटे लेते हैं। बिल्कुल। तो मैंने इसमें सोचा कि पखावज में कैसे होता है, तो मेरे को सुनने में नहीं आया, तो मैंने इसके शब्द से ही बनाया इसके भाषा में। इसमें और भी पलटे होते हैं, और भी मैं बजाता हूँ, लेकिन एक एग्जांपल आपको मैंने कि पखावज को एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए, और इसके लिए मैंने काम भी बहुत किया है, जैसे कि मेरे शिष्य हैं, काफ़ी शिष्यों को मैंने बताया है, सिखाया है, और इसके साथ साथ लड़कियों का, लोग इसको बोलते हैं कि मर्दाना बाज है, लड़कियाँ नहीं बजा सकती, मैं इसको नहीं मानता हूँ, लड़कियाँ क्या नहीं काम कर रही है, बहुत आजकल तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कर जाती हैं लड़कों से काम लड़कियाँ, तो इसलिए मैंने अपने घर में ही, मैं अपने बेटी को महिमा उपाध्याय, उसको मैंने पखावज सिखाया, बेटों को भी सिखाऊँ, बेटियों को भी सिखाऊँ, क्या बात है, सिखाऊँगा, और वो बजा रही है आज, अच्छा कर रही है। आपके कुछ और अपने हैं रवि जी, जिन्होंने अपनी राय दी है आपके आज तक के सफर को लेकर, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। रविशंकर उपाध्याय जी, पंडित ज्ञानी पखावज के गुरु और स्वयं वादक, इतना पुराना हमारा एक संबंध है और बहुत मधुर संबंध है, उस तरीके से ही है जैसे नृत्य का और पखावज का कभी संबंध रहता है और हमेशा रहेगा, और इन्होंने कई कार्यक्रमों में मेरे साथ भी संगत की, और कई बड़े बड़े गुरुजनों के साथ, कलाकारों के साथ अपनी मधुर आवाज़ और पखावज की गूंज जैसे कहते हैं वो गूंजाई, और कई शिष्य शिष्याओं को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और इनके परंपरा को भी बढ़ा रहे हैं, इनके पुत्र और इनकी पुत्री भी बहुत अच्छा पखावज बजा रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और ईश्वर करे कि पखावज हमेशा आगे ऐसे ही चलती रहे और इसका नाम, आपका नाम रोशन हो। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे पिताजी हैं, और इस जन्म में हम ऐसे घर में हैं जिसमें आपका एक मिला है सपोर्ट और आपका हाथ जो हमारे सर पे है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब मैंने पखावज सीखना शुरू किया था तो उस समय आपने बताया था कि पखावज मिलाना बजाना एक अलग चीज़ है, पखावज को ट्यून करना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसकी गूंज होती है वो बाएँ का काम है, उसमें आटा लगता है।
तो उस आटे को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी खासियत क्या है। तो पिताजी ने मुझे बताया कि इसकी खासियत यह है कि इस आटे को अगर सवा महीना कोई इंसान, कोई कलाकार सवा महीना बजाए पखावज आटा लगा के, और सवा महीने तक उसी बजे हुए आटे को अगर किसी गूंगे को या जैसे कोई हकलाता है उसको दिया जाए, तो कहते नहीं एक संगीत में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो वो इंसान भी शायद बोलना शुरू कर दे और वो बोलने लगे। पापा को हमेशा मैं बजाते भी सुनती थी और एक बारी मैंने उन्हें गाते भी सुना तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गई और मैंने बोला पापा प्लीज़ मुझे आप वोकल सिखाइए, ध्रुपद सिखाइए। तो उन्होंने मुझे सिखाना स्टार्ट किया, बट कुछ लोग इसके अपोज थे, सब ने बोला कि क्यों सिखा रहे हो, बिकॉज़ आई एम दी ओनली गर्ल इन माई ट्रेडिशन जो ध्रुपद रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस समय। तो उन्होंने बोला कि नहीं, महिला को भी ध्रुपद गाना चाहिए और मैं सिखाऊंगा, और फिर मैंने उनसे सीखना स्टार्ट किया। बचपन में मैं जब पापा को रियाज़ करते हुए देखती थी तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता था, उनकी जो बॉडी मूवमेंट्स थे जब वो रियाज़ करते थे तो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव लगता था। और तो मैंने एक दिन पापा से बोला कि मुझे भी पखावज सीखना है, तो पापा ने इस चीज़ के बारे में सोचा और मैं अपने घराने की पहली महिला हूँ जो मैं पखावज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 14 जनरेशन में मैं अपने घराने को और परंपरा को निभा रही हूँ, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इसे कहाँ तक ले जाना है, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं इनको कहना चाहूँगा कि इस तरह से ये सीखते रहें और खूब नाम करते रहें, खूब मेहनत करते रहें, बढ़िया करते रहें, और मैं इनको और भी करता हूँ। ऐसी कौन सी बंदिश है जो आप अक्सर अपने प्रोग्राम्स में जब आप सोलो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप पेश करते हैं, जो ऑडियंस की बहुत ज़बरदस्त डिमांड होती है? जी, एक है जैसे मैं चौताल बजाता हूँ 12 मात्रे की, तो चक्रधार जैसा आप जानते हैं 3 चक्र में उसमें लगती है, तो पहली चक्र गिरती है 12:30 पे, दूसरी चक्र गिरती है 12:45 पे, और तब तीसरी गिरती है 1 पे, 12:30, 12:45। ओके। ठे ठे क त ग दि ग न घ घ त्र त ख ख त ग द न घे घे दि त ख त ता ग त ग घ ध त त्र त ग त त्र त ग त ग घ ध त त्र त ग त त्र त ग त ग घ ध त त्र त ग त त्र त ग त Beautiful। इसको मैं जरूर बजाता हूँ। मुझे ये बताइए कि एक पखावज वादक के तौर पर इस वाद्य को लेकर आपकी क्या फिक्र है, किस तरह से इसे और बहुत लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए या गायकी के और अंगों में भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए, क्या फिक्र है आपकी इस वाद्य को लेकर? जी, मुझे मैं सोचता हूं कि करीब करीब सभी विधाओं में इसकी उपयोग होनी चाहिए, चाहे जो भी। और आपको मैं बताऊँ कि पहले की अपेक्षा आज प्रयोग हो रही है, आज देख लीजिए आप, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, वो पखावज मैं भी उनके साथ करता हूँ कभी कभी, और वो करते हैं पखावज के। इसके बाद उस्ताद अमजद अली खां, पंडित बिस्मोहन भट्ट, इसके बाद पंडित भजन सोपोरी साहब, वो पखावज लेते हैं, मेरा बेटा भी उनके साथ बजाता है और मैं भी। तो इस तरह से इसके बाद और भी पंडित जसराज जी हैं, ये लोगों के साथ तबला ही बजता, लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ये लोगों के साथ आज पखावज भी बज रही है, और यहाँ तक कि कुछ भजन में भी पंडित भीमसेन जोशी साहब, उनके साथ वो पखावज ही बजवाते थे। तो मेरा तो ऐसा सोचना हमेशा रहा है कि हर चीज़ों के साथ बजना चाहिए, वाद्य है बजाने की टेक्निक होनी चाहिए कि कहाँ पर अच्छा लगेगा, इसीलिए इसमें बदलाव होनी चाहिए, इसके शैलियों में। हाँ। वो मैंने बदलाव किया है, इसकी एक जो अपनी लिटरेचर है वो तो अपनी जगह है, पर और वाद्यों से जो इनको संबंध है और भी होना चाहिए, तो वो इसकी
वादन शैली कैसे बदलना चाहिए, इसके लिए मैं सोचता हूँ और ऐसा करता हूँ और लोगों को बताता हूँ, लोग कर रहे हैं, मोहब्बत है सब। तो चलते चलते रवि जी, आपकी पसंद का एक गीत भी हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे। कौन सा गीत आपको बेहद पसंद रहा? ए दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं मैं क्या करूं। आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से और इस चैनल का भी राज्यसभा के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी अच्छी बातें हुई और मेरे साज के लिए पखावज मेरे लिए इतना सोचा आप लोगों ने, अब ये दिखाया दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।